133 शेयर हैं। किस भाव पे? 95.78। ये काफी खरीदारी आपकी ईश्वर जी? ये सर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम स्टार्टिंग ही करी थी, कोरोना काल के बाद ही लिया था शायद, कोरोना में है और उसके बाद ही। चलिए, शुरुआत ही बहुत अच्छी रही आपकी तो, क्योंकि उस टाइम मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी सर। चलिए, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 95 शेयर हैं, दोगुने से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या इच्छा रखते हैं? जी जी, तो मैं सर ये पूछना चाहता कि इसमें अभी क्या किया जाए, अभी होल्ड रखूं या कुछ अपना प्रॉफिट बुक करा जाए या इसमें और खरीदे जाएं? ओके, तो गाबा सर 133 शेयर हैं इनके पास REC के, एक अच्छा डिविडेंड डील तो है ही स्टॉक का, प्लस इन्हें बढ़िया प्रॉफिट भी हो रहा है 240 रुपये का। आप क्या राय दोगे, थोड़ा पैसा लेकर कैपिटल निकाल लें, असल प्रॉफिट या फ्री के शेयर उनके साथ बने रहें, या पूरा पैसा निकाल लें, या बने रहें, क्या करें? REC का जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो अप मूव ऑन है, तो निकालना क्यों, कहां भी ऊपर जा सकता है, ऐसे व्हाई इट कैन कीप ऑन मेकिंग न्यू हाइज। लेकिन इनको जो प्रॉफिट मिला है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए 300 के नीचे का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 335 पे REC, 300 के नीचे का स्टॉप लगाना चाहिए, अगर वो ब्रिज हुए तो पूरा का पूरा पैसा घर ले जाए, तब तक एंजॉय द राइड, जस्ट राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। तो ईश्वर जी, आप 299 अराउंड का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन में बने रहिए, अगर आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आप पूरा निकल जाइए, अदरवाइज आप बने रहिए और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलिएगा। और बहुत बढ़िया ट्रेड था आपका, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे RS संधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संधु साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार संधु साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, बढ़िया। मेरा चार बैंक है, इसमें ना बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक। जी, बड़ौदा के मेरे पास 1000 शेयर है, 48 की एवरेज है। अच्छा, बड़ौदा अपना PNB के 4000 शेयर है, 52 की एवरेज है मेरी। ओके, और IDFC फर्स्ट बैंक के हैं वो 48 की एवरेज है, 2000 शेयर है, मतलब मोर लेस सबका एवरेज 40-48 की रेंज में है, एग्री? हाँ, और यस बैंक के 4300 शेयर है, वो 14 की एवरेज है मेरी। ओके, तो अब आप और कितना समय देना चाह रहे हैं, कि सब ऑलरेडी बढ़िया आपको प्रॉफिट दे रहे हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, समय बहुत है मेरे पास, समय की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, तो गावा सर PSU बैंक्स में इनके पास PNB और BOB पड़े हैं, 48-50 की एवरेज में ही ज्यादातर सारी बाय है, और यस बैंक और IDFC फर्स्ट दो और बैंक है, वो भी नीचे के लेवल पर है, समय है इनके पास, क्या करना चाहिए ना? देखिए ऐसा है कि अगर PSU बैंक्स है इनके पास, तो लार्जर टर्म स्ट्रक्चर PSU बैंक का बॉटम आउट हो चुका, इसमें अप मूव ऑन है, इनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का, ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल से वो होल्ड ही करना चाहिए, लेवल्स नहीं देता, क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 ईयर तक वो अप मूव मिलेगा। रही बात यस बैंक की, यस बैंक की इनकी कॉस्ट भी अच्छी है, यस बैंक मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए कम से कम 2 या 3 साल के लिए, कम नहीं, उसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है, लेकिन वो प्रोसेस बना हुआ यस बैंक का बॉटमिंग आउट का वो शुरू हुआ है और बन रहा है, और बनते बनते कभी वक्त लगता है, लेकिन लगता है यस बैंक यहीं से ऊपर जाएगा, अब ज्यादा गिरावट नहीं लगती यस बैंक में, तो यस बैंक को होल्ड करना चाहिए ज्यादा, 3, 4 या 5 साल मुनाफा अच्छा मिलना चाहिए यस बैंक। जी, तो आप बने रहें, आपको यही राय दी गई है सभी PSU बैंक्स के अंदर भी, और यस बैंक के केस में गावा सर को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शेयर ना रहे, तो आपके लिए राय यही कि आप यहाँ पर अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करिए, और समय थोड़ा दे सकते हैं और अच्छा पैसा वहाँ पे बन सकता है। आजमगढ़ UP में हमारे साथ अब कृष्णकांत मिश्रा साहब मौजूद हैं। मिश्रा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, गावा सर को भी नमस्कार। सर रैली गियर पे सवाल है, रैली गियर और इज माय ट्रिप पे है। सर रैली गियर में कुछ विवाद चल रहा है, मैंने 500 शेयर ले रखे हैं 220 पर। ओके, विवाद का क्या इफेक्ट होगा? सर इजी माई ट्रिप मेरे पास अब 1545 शेयर है और भाव जो है वो 43 रुपए है सर। ओके, काफी दिनों से फंसा हुआ सर, इसमें क्या रहा है सर? और रैली गियर में आपने क्या कॉस्ट बताई अपनी? 220 रुपए सर, 500 शेयर सर, वो बर्मन्स एंड सरुजा में क्या विवाद चल रहा है सर, उसका क्या असर है? कैपिटल को लेकर कुछ बर्मल फैमिली उसमें स्टेक लेना चाह रही है, और केयर जो है वो भी उसके अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये बात तो सही है, लेकिन हाँ फिर भी आपकी कॉस्ट के आसपास ही काम काज कर रहा है। तो गाबा सर दो नाम है, एक है रैली गियर 220 की अराउंड इनकी खरीदारी है, और दूसरा ये इज माई ट्रिप 44 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 38 रुपए पे चल रहा है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? वेल रैली गियर का चार्ट क्लियर नहीं है, कॉस्ट के आसपास है, अगर मैं होता तो मैं निकल जाता, क्योंकि मुझे एक ट्रेंड की जरूरत है और ट्रेंड मिसिंग है रैली गियर। और दूसरा कौन सा बताया आपने? इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप मैं ये चार्ट निकाल देता हूँ। वेल इज माई ट्रिप थी, यहाँ पर भी वीकनेस है और मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले, काफी डिस्ट्रीब्यूशन था, एक ब्लो आउट टॉप बुलाया करीब 70 के आसपास ब्लो आउट, उसके बाद गिरावट आ रही है, हो सकता है लो लेवल में सपोर्ट मिले 30 के आसपास, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेंड मिसिंग है। अगर आपने लिया है तो आपको ट्रेंड चाहिए आपके फेवर में, अब यहाँ पर ट्रेंड तो डाउन है, तो मैं होता तो निकल जाता इज माई ट्रिप से।
तो दोनों से मिश्रा साहब को निकलने की राय दी है गाबा सर ने, और रैली गियर केस में भी एक बात साफ है कि क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली भी अभी कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं, यानी दोनों केदारा कैपिटल के बीच में भी और साथ साथ एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट या डाबर की मैनेजमेंट के बीच में भी इश्यूज चल ही रहे हैं, रिजॉल्व हुए नहीं हैं। सो जहाँ पर अनसर्टेनिटी है बेटर कि थोड़ा अवॉइड करिए उसको, तो वही राय आपको गाबा सर ने अदरवाइज भी यहाँ पर दी है, तो आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं दोनों राय को। अब आर के छावड़ा साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। छावड़ा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, गाबा सर को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं गाबा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। सर मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। मेरे पास सर एसबीआई कार्ड है 100 शेयर और आईओसी है 300 शेयर। ओके, तो दोनों के बारे में जानना था। एसबीआई कार्ड मैंने लिए थे, 1000 रुपए करीब करीब एवरेज है उसकी, तो उसका क्या फ्यूचर है? और आईओसी जो है 89 की परचेज है मेरी। तो ये छाबड़ा साहब, ये 1000 रुपए पे एसबीआई कार्ड आपने हाल में लिया है? नहीं, काफी पुराना है एक्चुअली। मैं पोर्टफोलियो भूल गया था इसको रख के, और अभी पोर्टफोलियो चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ये 100 शेयर ये भी पड़े हुए हैं। ओके ओके, अब ये काफी डाउन चल रहा था इसलिए पूछा मैंने। जी, तो गाबा सर पहले तो आपके प्रशंसक हैं छाबड़ा साहब, और आपसे एसबीआई कार्ड को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं। 1000 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 740 रुपए दाम चल रहा है अभी, और इसके अलावा आईओसी भी इनके पास है, क्या करना चाहिए इनमें? देखिए एसबीआई, एक तो शुक्रिया वेरी मच। और एसबीआई कार्ड देखा जाए, ये जगह लॉस बुक करने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रेड करा है 738 पर एसबीआई कार्ड, जाएगा ऊपर तो यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से ऊपर जाना चाहिए। जगह अच्छी है, जाने स्ट्रक्चरली लगा रहा है, बता रहा है कि यहीं से एक अपू मिल सकता है, तो अब तो इस पर होल्ड के लिए। अब जब आपकी कॉस्ट आ जाएगी, आपको लगेगा कि यहां से निकल जाना चाहिए, वो मत निकलेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है शुरू होगा तो यहीं से होगा, वो ले जाएगा करीब 1020 से 1100 तक जा रहा है। प्रॉफिट बुक करना है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड अच्छा है, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से एक ही स्टॉक है ये एसबीआई स्पेस में। दूसरा कौन सा बताया? आईओसी सेकंड स्टॉक, इंडियन ओवरसीज। हाँ, यहाँ पर तो बिल्कुल मैं कहूंगा इंडियन ऑयल कॉर्प। ठीक है, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट निकाल लेता हूँ। लगता है ये स्टॉक बढ़िया है, 107 के आसपास ट्रेड की रही है, जैसे ये 100 को क्रॉस किया है इसलिए लगता है अब 100 बेस बन गया, अब तो इसको होल्ड ही करना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 133 के है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, तो अब मूव ऑन है। यस, तो आईओसी को आप होल्ड कर सकते हैं, और एसबीआई कार्ड में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, सो एटलीस्ट अब आप उसको होल्ड तो करिए और आगे की कॉल अकॉर्डिंगली ली जाएगी, लेकिन अभी के लिए उसमें बहुत रिस्क है नहीं, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है दोनों स्टॉक्स में। देहरादून चलते हैं, हमारे साथ योगेश अग्रवाल साहब मौजूद हैं वहाँ पे। तो अग्रवाल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार अग्रवाल साहब। सर मेरे पास आरा केवल है 1235 के रेट में 100 शेयर है। ओके, और क्या समय अबाउट उसको आप दे सकते हैं कि मुनाफा तो अच्छा है अभी? एक साल दो साल तक दे सकता हूँ। चलिए गाबा सर, आरआर कबेल ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ 1250 रुपये पर खरीदारी है, 1600 चल रहा है, 400-450 रुपये पर शेयर प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए ना? एक होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इन पर नजरिया इनका ट्रेडिंग का है तो टाइट स्टॉक होना चाहिए 1575 का, तो आपका इनका कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो लॉक इन हो जाएगा। 1575 ब्रिज तो निकल जाएगा, कंटिन्यू होल्डिंग है, मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, तो होल्ड है आरआर कबेल। हाँ, डेटा नहीं है बट नथिंग टू वरी, आप बने रहें, आपके लिए राय यही है पहले तो, और अच्छे अपमूव आए थे नंबर्स के बाद, तो आपके लिए राय है कि अभी आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, स्टॉप लॉस 1575 का आप मेंटेन करेंगे। कोलकाता चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ अभिजीत दत्ता साहब मौजूद हैं। दत्ता साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कार्डिनजी का 61 शेयर है 871 के दाम पे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रखना चाहती हूँ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात की आपने, राइट? है सर। ओके, तो गावा सर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 836 का अभी मौजूदा स्तर है, 870 में खरीदारी है, स्ट्रेच लंबा रहा और उसके बाद थोड़ा एंटर करके गए ऊपर के लेवल पे, 60 शेयर इनके पास हैं, क्या करना चाहिए ना? होल्ड करना चाहिए, मुझे स्टार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है गार्डन रीच का, इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा, स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से 730 का, कंटिन्यू होल्डिंग 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, गार्डन रीच है बढ़िया कंपनी है डिफेंस स्पेस से। तो बने रहना ज़्यादा लॉजिकल है दत्ता साहब, आप फिलहाल तो बने रहो, ज़्यादा बेटर है। अब पंजाब चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ शिव रतन अग्रवाल साहब मौजूद हैं भटिंडा से। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल, नमस्कार। हाँ जी सर,
जी सवाल पूछिए। एक वो सुजलोन के हैं 2100 2100 शेयर है, क्या करें सर उसका, होल्ड रखे क्या? किस भाव पर है? ये मेरे 40 रुपीज के आसपास है। तो ये खरीदारी आपने कब की थी अग्रवाल साहब, पुरानी खरीदारी है अभी की खरीदारी है? ये अभी 2 महीने के अंदर ही एवरेज बनाया था जैसे 500 करके। ओके, तो पहली खरीदारी आपकी किस भाव पे थी? पहली तो थी 32 रुपए 32 पे, लास्ट थी 44 या आइडिया मतलब पूरा भी मेरे ध्यान नहीं, मैं भी थोड़ा। तो अग्रवाल साहब ये चलते हुए शेयर में एवरेज करने की कोई खास वजह? बस वो एवरेज कर लिया चलते शेयर में के भी चलो जा रहा है ऊपर, ले ले कुछ 10,000 शेयर 11,000 शेयर इकट्ठे कर ले। ये शेयर 9 रुपए का आपके सामने 40 रुपए पे खड़ा है अभी, रादर 6 रुपए का 40 रुपए पे, तो ऑलरेडी 8 times 10 times के अराउंड शेयर चल चुका है, वो भी एक साल के अंदर ही महज। अब गाबा सर क्या करना चाहिए? सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला स्टॉक है ये, और 40 रुपए पे इनका एवरेज है, 2100 शेयर है, क्या करें? होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल 2-3-4 साल होल्ड करेंगे तो मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा और अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर सुजलोन का ये बॉटम आउट हो चुका, उसका ब्रेकआउट की जरूरत थी वो भी मिल चुका, तो कंफर्म भी हो गया बॉटम, अब तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, वीक प्लेयर्स निकलेंगे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अपमू ऑन है, इनको होल्ड करना चाहिए 2-3-4 साल के लिए, अपमू मिलना चाहिए मेरे स्टॉक। तो बने रहने की राय अग्रवाल साहब, आपको थोड़ा समय ज्यादा देना होगा लेकिन बने रहना होगा आपको, और होल्ड कर सकते हैं आप, और मूव अपमूव वैसे रहेगा, बट इस चीज का आगे से ध्यान रखा करें कि कभी भी चलते हुए शेयर में एवरेज करना तभी पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर होती है आपके पास, आपको बड़ी श्योरिटी हो उस कॉल को लेकर, लेकिन स्टॉप लॉसेस में भी बहुत क्रूशल रहता है, तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और गावा सर बने हुए उनसे आगे बातचीत जारी रखेंगे, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे सवाल आए हैं उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। शॉर्टलाइन और गावा सर हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी, आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं उन पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो गावा सर पहला सवाल जिमी नारंग साहब ने भेजा है, इनके पास विनाइल केमिकल के शेयर हैं 500 433 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? अगर आप इसका कोड जानना चाहते हैं तो विनाइल केमिकल का कोड है 524129। थैंक यू विनाइल केमिकल, आपने मुझे कोड बताया। वेल बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक था लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है विनाइल केमिकल्स में, हो सकता है थोड़ा डिप मिले, डिप मिले तो है लोअर लेवल करीब 320 भी आ सकता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ है मिलेगा जब 430-440 पार कर लेगा तब, मेरे ख्याल 450 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलना चाहिए, तो फिलहाल होल्ड कीजिए और कंटिन्यू होल्डिंग इट, लेट्स होप इट क्रॉसेस 450 फिर एक अच्छा आपको मिलना चाहिए लॉन्ग साइड, शॉर्ट टर्म में थोड़ी ट्रेंड इज मिसिंग साइड इज मोर। तुषार जी ने पूछा है जीएमआर इंफ्रा की 60 की कॉल इनके पास पड़ी है 3.5 रुपए के दाम पर, दो लॉट हैं, क्या करें? ये 60 रुपए की कॉल, 60 की कॉल, 60 की कॉल है, देखिए अच्छा है 60 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें अगर अपू मिला तो प्रॉफिट होगा, अगर अपू नहीं मिला तो इनके लॉस होगा क्योंकि इसमें थीटा डिके होगा, तो मेरे ख्याल से ध्यान दीजिएगा, अच्छा अपू मिलता है आज तो निकल जाइएगा। बिरेश्वर पॉल साहब पूछ रहे हैं क्या पीडी लाइट और पॉली कैब यहां एक्यूमुलेट करना चाहिए? पीडीलाइट तो स्टॉक है, सेफ स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए एट एवरी डिप्स, ट्रेड करें 2490, ये 2700 भी चला जाएगा, 2700 भी पार कर लेगा पीडीलाइट, तो यस बढ़िया स्टॉक है, लेना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। रही बात पॉलीकैप, एग्जैक्टली वही हाल वहां पर भी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस मिल सकती है, हो सकता है 5000 भी आ जाएगा, लेकिन ये डिप्स में खरीदने का स्टॉक है और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैप, तो यस इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक पॉलीकैप और पीडीलाइट। जी एक चपला जी का सवाल है, इनके पास केपीआईटी टेक है 50 शेयर 680 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? केपीआईटी टेक मेरे ख्याल से अपमू ऑन है, 1425 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमू मिलना चाहिए, 1600 पॉसिबल है, यस केपीआईटी। तीर्था दास जी पूछ रहे हैं इनके पास टाटा कॉफी के 98 रुपए के दाम पर शेयर है, 2014 से इसे होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अब इन्हें? होल्ड है, बढ़िया स्टॉक है टाटा कॉफी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 274 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 300 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला 225 में वो ले जाएगा करीब 300 तक, तो यस इट्स अ होल्ड टाटा कॉफी। अरुण जी ने पूछा है सीमेंस का नवंबर का फ्यूचर इन्होंने खरीद रखा है 3618 रुपए के दाम पर एक लॉट, और वो थोड़ा सा नीचे भी है, आज नंबर भी है सीमेंस के, क्या करना चाहिए इन्हें? ये लो बीटा स्टॉक है सीमेंस, ये सीमेंस स्टॉक एक्चुअली देखा जाए
तो ऑप्शंस के लिए नहीं है, फ्यूचर्स के लिए ले सकते हैं, डिलीवरी में ले सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ऑप्शंस में कभी सताएगा शायद, सता भी रहा है अभी, तो अपट्रेंड इंटैक्ट है लेकिन स्लो है, लो बीटा स्टॉक है, तो उसमें थीटा डिके ज्यादा होता है। कविता जी ने सवाल पूछा है, HDFC AMC पर पहला, इनके पास 2200 रुपए के दाम पर खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए, वो आपका फेवरेट भी है, वो भी ये मेंशन कर रही हैं, साथ साथ मोरपेन लैब करीब 41 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करें दोनों में? वेल HDFC AMC बढ़िया स्टॉक है, आज सुबह मेरे रडार पे आया था बाय के लिए और यस ट्रेड कर रहा है 2900 पे, मैटर ऑफ टाइम 3000 भी चला जाएगा। रही बात मोरपेन लैब की, अपू ऑन है 37 में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपू मिलेगा तो 50 और 60 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा, तो डिप्स मिलेंगे, शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी मोरपेन लैब में। ओके, खुशबू जोशी जी पूछ रही हैं, इनके पास 34 शेयर हैं इंफोसिस के 1460 रुपए के दाम पर, 6 महीना ये होल्ड कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है होल्डिंग का, ज्यादा होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन अप ट्रेंड इंस्टेक्ट है, शायद 1600 का टारगेट भी देख सकते हैं इन्फोसिस। जी सचिन कुमार जादौन जी का सवाल है, इनके पास 700 शेयर हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 311 रुपए के दाम पर और जुबिलेंट फूड के 535 रुपए के दाम पर, ये एवरेज करने के इच्छुक हैं, क्या एवरेज करें या ना करें? पहले मुझे इसका चार्ट का नंबर बता दीजिएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। आप जुबिलेंट फूड देखिए तब तक। मैं जुबिलेंट देख लेता हूँ जी। जुबिलेंट फूड, भाई जुबिलेंट फूड का लगता है ये बॉटम आउट हो चुका, 540 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500-510 के आसपास है जहां से एक बाउंस मिला है, मुझे लगता है ये करीब 650 तक जाएगा, वहां पर थोड़ी रुक सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है इसमें अपू ऑन है जुबिलेंट फूड में, जब भी कोई डिप मिलती है मेरे ख्याल से वो खरीदारी का मौका बन जाता है जुबिलेंट फूड। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का कोड है गाबा सर 543277। जी ये एलेक्स स्कैम, मेरे ख्याल से चार्ट बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, काफी भागा था दौड़ा था उसके बाद इसलिए डिप मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है स्टॉक, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीब 200 के आसपास है, अब मूव मिलेगा इसमें, रियल ट्रेंड मिलेगा जब वो 300 पार कर लेगा, फिर एक अच्छा मूव मिल सकता है, वो 400 की तरफ ले जा सकता है, तो इट्स अ होल्ड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। वरुण शुक्ला जी पूछ रहे हैं, इनके पास इन्फी बीम के शेयर हैं 250 शेयर 21 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए गाबा सर? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, अपसाइड चला जाएगा तो 28-29 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है, मेरे ख्याल से होल्ड है लेकिन अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं क्योंकि साइडवेज जोन है। ओके, रोहित अग्रवाल साहब का सवाल, टाटा पावर के 203 रुपए के दाम पर खरीदारी किए हुए शेयर हैं 100 और ये एवरेज कर सकते हैं करीब लंबी अवधि के लिए, क्या करना चाहिए, यहाँ खरीदारी करें या करेक्शन का वेट करें? देखिए ऐसा है, एक तो होल्ड कीजिए बिल्कुल, और कहाँ जाएगा ये 300 पार कर ही लेगा, अगर आपको एवरेज करना है तो 258 का स्टॉप लगाइए जो ऐड करते हैं उस पर और फिर होल्ड की एवरेज कर सकते हैं, 300 तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए क्योंकि टाटा पावर का स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव। जाते जाते मयंक गुप्ता जी का सवाल आया है, बजाज हिंदुस्तान के 1000 शेयर हैं 13 रुपए के दाम पर और सोम डिस्टिलरीज के 200 शेयर हैं 330 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? दिल्ली से शुगर्स पे इसमें रहे हैं लोग, बजाज हिंदुस्तान तो ठीक ही लग रहा है 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अपू मिलना चाहिए, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हायर जोन देखेंगे बजाज में, वो 50 का जोन भी पार कर लेगा। सोम डिस्टिलरीज में देखता हूँ, सोम डिस्टिलरीज यस मिल गया मुझे, काफी अच्छा भागा है दौड़ा है, इसलिए दौड़ने के बाद वहां पर थोड़ी प्रेशर है, हो सकता है लोअर लेवल है, 260 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से अगर बाउंस मिलता तो अच्छा है, तो मेरे ख्याल से शायद एक बाउंस मिलेगा वहां से सोम डिस्टिलरीज में। जी चले गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें